हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, रैंडम प्लेयर के साथ अगर आप लोग क्लैश कॉर्ड रैंक में खेलते हो और लगातार गाइस अगर आप लोग मैच हार रहे हो ना, तो गाइस आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि गाइस देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ये गाइस आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप लोग नेक्स्ट मैच खेलोगे वो टिप्स एंड ट्रिक्स गाइस आप लोग अप्लाई करना और रिजल्ट गाइस आप लोग के आंखों के सामने मिल जाएगा। हर एक मैच ही लगभग गाइस आप लोग जीतोगे। और गाइस देखो, मैं आप लोग कुछ ऐसे गलती भी बताऊंगा जो गाइस अगर आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ करते हो तो गाइस आप लोग को नहीं करना है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो ये वीडियो ओवरऑल आप लोगों के लिए जो बेस्ट वीडियो है वो अभी तक का होने वाला है। तो गाइस आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। आज के इस वीडियो का जो लाइक में लगता है वो है 5000 लाइक्स। गाइस 5k लाइक जरूर से करा देना यार, क्या करे हो, फटाफट 1 लाइक जरूर से करा देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो तो गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। और अगर आप लोग के पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन या फिर रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो गाइस आप लोग प्लीज एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल नोटिफिकेशन बेल उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो ट्रिक है गाइस, तो जब भी आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना, आप लोग को ऑलवेज स्पैम गन लेना है। गाइस आप लोग को स्पैम करके खेलने, अब जैसे ही आप लोग बैरंगली में देखी पा रहे हो, एक बंदे को मैंने डेजर्ट ईगल से तो हेडशॉट मार दिया। अब गाइस देखो, वन टैप के चक्कर में गाइस मैं इधर मर जाऊंगा। कभी भी गाइस आप लोगों को रैंडम प्लेयर के साथ अगर आप लोग खेल रहे हो तो कभी भी गाइस आप लोगों को वन टैप नहीं करना है। क्योंकि गाइस देखो, अगर आप लोगों का वन टैप नहीं लगता है, आप लोग तो हैकर नहीं हो भाई, कि ऑल गोली सब गोली आप लोग का हेडशॉट लगेगा। अगर आप लोग का एक दो गोली मतलब मिस हुआ, वन टैप नहीं लगा, तो आप लोग ऐसे ही मर जाओगे जैसे कि आप लोग बैरंगली में देखी पा रहे हो। बट इस राउंड में देखो गाइस, मैंने स्पैम वाला गन लिया है और गाइस देखो मैंने इजीली हेडशॉट दे दिया। मैं अगर वन टैप करने का ट्राई करता तो मैं इधर मर जाता। तो गाइस रैंडम प्लेयर के साथ खेल लो तो गाइस आप लोग को ऑलवेज मतलब MP40 स्पैम वाला गन आप लोग को लेना है, वन टैप के चक्कर में मत जाना। अगर आपका खुद का स्क्वाड है तब तो ठीक है, वरना गाइस आप लोग स्पैम में मत जाना। सेकंड नंबर जो ट्रिक है गाइस, देखो मैं आप लोग एक स्ट्रेटजी बता देता हूं जो कि गाइस आप लोग को ऑलवेज फॉलो करना है। और कैसे गाइस आप लोग को कमबैक करना है, अगर आप लोग हारा हुआ मैच जीतना चाहते हो कैसे गाइस आप लोग कमबैक कर सकते हो वो भी गाइस देखो मैं आप लोग को बता देता हूं। सिंपली गाइस देखो, जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं गाइस पीछे रह रहा हूं। गाइस देखो, कभी भी गाइस आप लोग को शॉर्ट रेंज फाइट नहीं लेना है रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो, तो शॉर्ट रेंज फाइट अवॉइड ही करना। आप लोगों को लॉन्ग रेंज फाइट लेना है, आप लोगों को सबसे पीछे रहना है, तीनों रैंडम प्लेयर के सबसे पीछे रहना है। और वो जो कर रहे हैं वो मतलब शॉर्ट रेंज में फाइट करेंगे, आप लोग पीछे से उनको कवर देना, ऐसा खेलना। इससे गाइस क्या होगा, अगर नॉक भी होंगे तो रैंडम प्लेयर नॉक होंगे, आप नॉक नहीं होंगे, आप लोग पीछे से कवर दोगे। जैसे ही गाइस देखो मैं इधर कर रहा हूँ, गाइस मैं फालतू का रश नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है सामने एनिमी है, बट गाइस देखो मैं फालतू का रश ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कवर से नहीं निकल रहा हूँ। क्योंकि गाइस देखो मुझे पता है, अगर मैं कवर से निकल गया बाई चांस मेरा अगर कोई गलती हुआ ना, तो रैंडम प्लेयर भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा राउंड हाथ से गया। तो ये गाइस आप लोग दिमाग में याद रखना है। और जैसे ही गाइस देखो मैं एकदम फुल वेट कर रहा हूँ, कवर से बाहर ही नहीं निकाल रहा हूँ, और इस बंदे को मैंने हेडशॉट दिया था इसलिए मैं जल्दी जल्दी रश कर दिया। और गाइस देखो, जैसे लास्ट वाला बंदा है उसको भी गाइस देखो हम लोग ने इधर मार दिया, मतलब मैं इधर एकदम फुल सेफ खेला हूँ। ऐसे ही गाइस आप लोगों को सेफ खेलना है, फालतू अकेले फालतू में रश में मत जाना। थर्ड नंबर जो ट्रिक है वो है गाइस, आपका जो IQ है वो गाइस थोड़ा हाई होना पड़ेगा अगर आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो। तो जैसे कि आप लोग बैरंगली में देख ही पा रहे हो, ये बंदा मेरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे दिया था। मेरा फटाफट दिमाग में आया मैं अगर उसके ऊपर रश करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं फटाफट ग्लू वॉल लगा के खुद को ही पैक कर दिया। अब गाइस देखो क्या होगा ना, अगर आप लोग रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो गाइस आप ही रशर हो, आप ही IG है, लोग खुद का डिसीजन आप लोग खुद लेना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद के स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो आपका जो दोस्त है वो बोल देता है भाई तू इधर से रश कर या फिर ग्लू वॉल लगा, ऐसा कर वैसा कर। बट रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो पूरा डिसीजन मेकिंग गाइस आपके ऊपर ही आ जाता है, आप क्या करते हो। तो इसलिए गाइस आप लोगों को जो अपना दिमाग है ना वो जल्दी से जल्दी यूज करना है रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो। और IQ इंक्रीज कैसे करना है गाइस देखो, जितना ज्यादा आप लोग गेम खेलोगे। अब गाइस देखो IQ कैसे बढ़ाना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। गाइस आप लोग डेली कॉम्प्लेन पियो, अरे गाइस मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जितना ज्यादा गेम खेलोगे उतना ही ज्यादा गाइस आपका जो एक्सपीरियंस है वो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका IQ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तब गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कब आप लोगों को रश करना है, कब गाइस आप लोगों को होल्ड करना है, कब आप लोगों को मेडिकेट मारना है अगर आपका हेल्थ कम हुआ फिर भी गाइस आप लोगों को रश करना चाहिए या फिर मेडिकेट मारना चाहिए, ये गाइस आप लोगों का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो जितना ज्यादा गेम खेलोगे उतना ही ज्यादा गाइस आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा। फोर्थ नंबर जो ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं, एक मिस्टेक है जो कि गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोग बैरंगली में देख ही पा रहे हो, एक बंदे को गाइस मैंने इधर कितना इजीली मार दिया। अभी गाइस देखो, मेरा एक गलती होगा कि मैं अपने पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करूंगा और सामने वाला बंदा मेरे को मार देगा। देखो गाइस रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो तो एक बंदे को मारने के बाद आप लोगों को फटाफट उसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आप लोगों को ऑलवेज अपना जो पोजीशन है वो चेंज करना है। क्योंकि गाइस देखो, जैसे इस राउंड में देखो मैं मर गया तो ये राउंड मेरे हाथ से गया, ये लोग भाई मार नहीं पाए और मेरा जो मैच है वो इधर हम लोग हार गए। तो भाई रैंडम प्लेयर भाई एकदम ही फालतू होते हैं यार, मतलब आप लोग पूरा अपना 100% डिफॉल्ट लगा दोगे मैच को जीतने के लिए, बट एक गलती की वजह से अगर आप लोग मर गए ना तो रैंडम प्लेयर वो भी मैच जीता नहीं पाते, तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है आप लोगों को तो पता ही है। तो गाइस आप लोगों को अपने दिमाग में यही रखना है कि मैं 1v4 खेल रहा हूं। आप लोगों को गाइस ट्राई करना है MVP लेने का। अब जैसे ही गाइस अगर आप लोग सोचोगे मेरे को MVP लेना ही है तो ऑटोमेटिक आपका जो गेम प्ले वो अच्छा हो ही जाएगा, आप लोग अच्छे से खेलोगे यार। फिफ्थ नंबर जो ट्रिक है वो गाइस, आप लोगों को फर्स्ट राउंड कैसे जीतना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो फर्स्ट राउंड के लिए आप लोग साइक का यूज कर सकते हो, ड्रॉप में से आप लोगों को साइक मिल जाएगा उसका यूज कर सकते हो, वरना गाइस आप लोग M500 लो, M500 से एक शॉट मारो
मारोगे हेडशॉट में मारोगे भाई बंदा ऐसे ही काम तमाम हो जाएगा उसका। आप लोगों ने बहुत टाइम देखा होगा आप लोग G18 लेते हो या फिर WSP लेते हो तो आप लोग स्पैम करते रहते हो, बट सामने वाला बंदा अगर एक हेडशॉट चिपका दिया ना तो आप लोग ऐसे ही नॉक हो जाते हो। तो इसलिए गाइस देखो मैं आप लोग को बोलता हूं, अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा वन टैप करना आता है तो बेझिझक गाइस आप लोग M500 ले लो। और हेडशॉट के लिए गाइस अगर आप लोग एक परफेक्ट सेंसिटिविटी चाहिए तो उसके ऊपर गाइस देखो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, फटाफट जाके गाइस आप लोग वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में गाइस देखो मैंने आप लोगों को बोला कि आपके डिवाइस के लिए कौन सा बेस्ट सेंसिटिविटी होगा जो कि गाइस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा हेडशॉट मारने में। 6 नंबर जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को बेस्ट कैटा कॉम्बिनेशन बता देता हूं। गाइस आप लोगों को क्या लेना है कैटा कॉम्बिनेशन में, एक्टिव स्किल में गाइस आप लोगों को लेना है तासुआ। तासुआ भाई रशिंग में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उसके साथ गाइस आप लोगों को वुल्फ्रा लेना है, फिर गाइस आप लोगों को हाय तो लेना है, और लास्ट में गाइस आप लोगों को एंड्रयू लेना है। ये कैटा कॉम्बिनेशन रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा। और गाइस देखो मैं सोच रहा था कैटा कॉम्बिनेशन के ऊपर एक अलग से बहुत ही ज्यादा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए कौन सा कैरेक्टर बेस्ट होगा आपके रोल के लिए। तो उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और जरूर से गाइस लाइक कर देना अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस वो भी कर देना। और देखो मैं आप लोगों को लास्ट में एक बोनस ट्रिक बता देता हूं जो कि गाइस आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो गाइस आप लोग क्या करते हो, जब भी रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो ना आप लोग अपना माइक ऑफ रखते हो, ऑडियो ऑफ रखते हो, सब कुछ ऑफ करके खेलते हो। बट गाइस देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक बार माइक ओपन करके बात करने का ट्राई करोगे, रैंडम प्लेयर भी माइक ओपन किया अगर वो अच्छा निकले तो वो भी माइक ओपन करेंगे, तो आपके इससे जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप लोग बात करते करते दोस्त भी हो सकते हो, फिर आप लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फिर अगर दोस्त हो गए अगर वो बंदा भी अच्छा खेलते हैं आप भी अगर अच्छा खेलते हो तो गाइस आप लोग खुद का एक परमानेंट स्क्वाड भी बना सकते हो ऐसे करके। तो गाइस ये टिप को आप लोग जरूर से यूज करना जब भी आप लोग मैच में जा रहे हो, तो गाइस एक बार माइक ओपन करके हेलो हेलो बोलो, भाई तू भी माइक ओपन कर, एक साथ बात करके खेलेंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तू कहां रहता है ऐसा करके गाइस आप लोग पूछो यार, सभी तो लगभग गाइस एक ही एज ग्रुप के हो भाई, 19-20 का फर्क है। तो गाइस एक बार माइक ओपन करके बात कर सकते हो आप लोग ऐसे। और हां गाइस देखो बाय द वे अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो गाइस जाओ यार फटाफट मेरे को इंस्टा में फॉलो कर लो, इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके यार मेरे को फटाफट फॉलो कर लेना। और गाइस देखो अगर आप लोगों को 3 फिंगर के लिए एक बेस्ट कस्टम एचयूडी चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को फ्री फायर के 5 प्रो सेटिंग के बारे में जानना है ना तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।